प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 का हम पहले कुछ क्वेश्चन कर भी चुके हैं इससे पहली वीडियो में, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से कर रहे हैं। 5 लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें निकालने क्या है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में डी वाई अपॉन डी एक्स हमें फाइंड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए। इसमें हाँ सॉरी, एक साइड और होगी, इसमें बराबर 0 अच्छी बराबर 100 है ठीक। तो देखिए, इसमें हम डायरेक्ट ही डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। मैं इसको पहले पूरा करा दे रहा हूँ, इसके बाद में क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊँगा, सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स और 100, अलग अलग डिफरेंशियल। देखिए, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले, तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि केवल 2x रहेगा, क्योंकि एक्स की पावर एन का होता है n x की पावर n-1 उस फॉर्मूले से। प्लस अब एक्स वाई का करेंगे एक साथ, तो एक साथ इसका होगा नहीं, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई अलग कर लो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसका करेंगे वाई स्क्वायर का, तो पहले तो हो जाएगा 2y, और वाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये अचर पद है इसका, 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस, अब यहाँ पर फर्स्ट और ये सेकंड मान के इसको प्रोडक्ट रूल लगा दिए, या जैसे फर्स्ट यानी कि एक्स इंटू वाई का डिफरेंशियल डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, तो यही रहेगा प्लस 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साइड ले लो, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2y और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये और ये उधर पहुँचा दो, माइनस का 2x और माइनस का y। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2y बचेगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस y बचेगा। इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की, इसलिए माइनस का 2x प्लस y अपॉन में पहुंच जाएगा ये x प्लस 2y। बस यही वैल्यू हमें निकालनी थी डी वाई अपॉन डी एक्स की, इतने ही काम करेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं हम यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिक्स तो मैं नीचे कर लेता हूँ, ये सिक्स थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करते हैं, वहाँ 7 कर लेंगे। देखिए 6 क्या है, 6 है एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 बराबर 81। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 3 का डिफरेंशियल करेंगे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई का करेंगे, एक्स वाई दोनों फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर इसको फर्स्ट सेकंड लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर भी डबल फंक्शन, तो डी अपॉन डी एक्स और एक्स वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ वाई की पावर 3 करेंगे 3y स्क्वायर और इंटू वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 81 का हो जाएगा 0। 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर लगा दीजिए फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। ऐसे यहाँ पर एक्स इंटू वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2y, वाई स्क्वायर का करा तो 2y, और फिर y का भी करना पड़ेगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल और प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। यहाँ हम देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें है, इसमें है, इसमें है, तीनों को एक साथ लिख के कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस 3y² dy अपॉन dx बराबर 3x² इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2xy, ये इधर आके माइनस का 2xy हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर, इधर आके माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा x² प्लस 2xy और यहाँ 3y² बराबर माइनस, इसमें से कॉमन ले लो 3x² प्लस 2xy और प्लस y². इसके बाद हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस के 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन ये आ जाएगी x² प्लस 2xy और प्लस 3y². बस इतना ही काम इसमें हमें करना था, तो dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी आ गई। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 कर लीजिए।